हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी सेवर बैंक प्रमोशन से मन से हम लोग पढ़ा पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का प्रमोशन एग्जाम कलेक्ट ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए रहेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे जो कि कवर करेंगे पेपर वन पेपर टू का सिलेबस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगी, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन सर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला साल पहले बोलता है अंडर CTS यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम, अंडर चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS द इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर फॉर कलेक्शन रिमेंस विद। बोलता है जो CTS होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है, जो इंस्ट्रूमेंट आप डिपॉजिट करते हैं किया जाता है कस्टमर के द्वारा कलेक्शन करने के लिए किसके साथ रह जाता है। ए ऑप्शन है कलेक्टिंग ब्रांच, बी ऑप्शन है सर्विस ब्रांच ऑफ कलेक्टिंग ब्रांच, सी ऑप्शन है पेइंग ब्रांच, डी ऑप्शन है सर्विस ब्रांच ऑफ पेइंग ब्रांच, ई ऑप्शन है क्लियरिंग हाउस। तो कहाँ रह जाता है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, कलेक्टिंग ब्रांच के यहाँ रह जाएगा। जो भी चेक अब जमा करेंगे कलेक्टिंग ब्रांच के यहाँ रह जाता है, क्योंकि आजकल चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम यानी उसकी इमेज स्कैन होके जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू में आइए, ठीक है, ए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर टू में आइए। इन केस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज ऑब्टेंड बाय अनलॉफुल मीन्स, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल नॉट गेट एनी टाइटल एज पर। बोलता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लीजिए चेक है, आपने गलत तरीके से उसको ले लिया है, तो इंस्ट्रूमेंट का टाइटल आपको नहीं मिलेगा एज पर। कौन सा सेक्शन है, ए ऑप्शन है सेक्शन 58 ऑफ एनआई एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 48 ऑफ एनआई एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 89 ऑफ एनआई एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 128 ऑफ एनआई एक्ट, ई ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सेक्शन 58 ऑफ एनआई एक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री में आइए, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे DICGC फी ऑन, बैंक्स को जरूरी DICGC फी भरेगा ऑन किस हिसाब से, ए ऑप्शन मंथली बेसिस, बी ऑप्शन क्वार्टरली बेसिस, सी ऑप्शन हाफ ईयरली बेसिस, डी ऑप्शन ईयरली बेसिस, ई ऑप्शन है नॉट। जो जो बैंक को जरूरी की पे करेगा DICGC फीस वो भरा जाता है यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस भरा जाता है। कैसे भरा जाता है, हाफ ईयरली बेसिस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर में आइए, सी ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में आइए। एक्सपोजर टू सिंगल ग्रुप बोरोवर अप टू 5% इज प्रोवाइडेड आफ्टर, जो एक्सपोजर होता है बैंक का, तो इसके लिए आपको चाहे वो सिंगल बोरोवर चाहे ग्रुप बोरोवर अप टू 5% प्रोवाइड कब की जाती है। ये ऑप्शन है बोरोवर्स कंसेंट टू डिस्क्लोज द सेम इन द नोट्स ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स इन बैंक्स एनुअल रिपोर्ट। बोरोवर की कंसेंट चाहिए, मंजूरी चाहिए डिस्क्लोज करने का सेम चीज़ को नोट्स अकाउंट में बैंक एनुअल रिपोर्ट में। बी ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ बोर्ड, बोर्ड के अप्रूवल के बाद, सी ऑप्शन है चार्जिंग एडिशनल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 2%, 2% एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। डी ऑप्शन है ए एंड बी, ई ऑप्शन है ए बी एंड सी। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बेसिकली बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही आप 5% दे सकते हैं किसी को लोन। एक्सपोजर मतलब क्या है, लोन है आप। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए, कंपोजिट लोन लिमिट ऑफ डैश कैन बी सैंक्शन बाई बैंक टू इनेबल द MSME enterprises to avail their working capital limit requirements through single window। जो कंपोजिट लोन का जो लिमिट होता है जिसको सैंक्शन किया जाता है बैंक के द्वारा, ताकि इनेबल किया जा सके MSME enterprises को कि वो अवेल कर सकें वर्किंग कैपिटल लिमिट की रिक्वायरमेंट सिंगल विंडोज के थ्रू। ये ऑप्शन है ₹25 लाख, बी ऑप्शन ₹50 लाख, सी ऑप्शन ₹100 लाख, डी ऑप्शन ₹150 लाख, ये ऑप्शन है नन। सही ऑप्शन हो जाएगा 100 लाख रुपये तक किया जा सकता है, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आइए, एज पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स LRMs रेसिडेंट इंडिविजुअल में रेमिट अप टू पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च फॉर एनी परमिटेड कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। बोलता है कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है LRS है, जहाँ पे जो भारत के नागरिक हैं वो पैसा भेज सकते हैं विदेश में पर फाइनेंशियल ईयर जो अलाउ किया गया है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो चाहे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो, कितना डॉलर भेज सकते हैं, ये सवाल। ए ऑप्शन है $1 million, बी ऑप्शन है $2 million, सी ऑप्शन $3 million, डी ऑप्शन $2.5 लाख, ई ऑप्शन है नन। सही हो जाएगा $2.5 लाख तक आप भेज सकते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन में आइए, फैमिली
इनकम क्राइटेरिया पर एनम फॉर DRI लोन्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। जो फैमिली इनकम क्राइटेरिया होगा पर एनम DRI लोन्स के लिए, रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो, वो क्या है? ए ऑप्शन है ₹18,000 एंड ₹24,000, बी ऑप्शन ₹15,000 एंड ₹24,000, सी ऑप्शन ₹18,000 एंड ₹36,000, डी ऑप्शन ₹24,000, ₹36,000, ई ऑप्शन है। जो फैमिली इनकम क्राइटेरिया पर एनम DRI लोन्स का रूरल और अर्बन एरिया में वो रखा गया है ₹18,000 है रूरल एरिया में, ₹24,000 है अर्बन एरियाज में। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। ठीक है, व्हाट इज द फ्लोर लिमिट मिनिमम एंड मैक्सिमम इन केस ऑफ CRR। फ्लोर लिमिट क्या रखा गया है मिनिमम और मैक्सिमम, अगर एक केस है CRR का, कैश रिजर्व रेशियो का, मिनिमम फ्लोर लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम का क्या है? ए ऑप्शन है 3%, 10%, बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है 3%, 15%, सी ऑप्शन है 5%, 10%, डी ऑप्शन है नो लिमिट, ई ऑप्शन है नन। तो फ्लोर लिमिट क्या रखा गया मिनिमम मैक्सिमम इन केस ऑफ CRR में? बेसिकली कोई फ्लोर लिमिट नहीं होता ऐसा, ना मिनिमम का कुछ है ना मैक्सिमम का कुछ है, जैसे नॉन लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, फिस्कल पॉलिसी किसके बारे में रेफर करता है? ए ऑप्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट टैक्सेस एक्सपेंडिचर्स एंड बोरोइंग्स, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम इक्विटी मार्केट, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाई RBI, ई ऑप्शन है नन। जब फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की टैक्सेस एक्सपेंडिचर्स और बोरोइंग्स के बारे में बात करता है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। सब ऑर्डिनेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आर टू बी लिमिटेड टू डैश Tier 1 टुगेदर विथ अनदर अदर कंपोनेंट्स ऑफ Tier 2 शुड नॉट एक्सीड्स डैश ऑफ Tier 1 कैपिटल। बोलते जो सब ऑर्डिनेटेड डेप्ट होता है इंस्ट्रूमेंट का, जिसको कि लिमिट करना होगा कितना Tier 1 का पैसे का टुगेदर और दूसरे कंपोनेंट मिला के, और दूसरे कंपोनेंट जो होंगे Tier 2 के वो कितने एक्सीड नहीं करना चाहिए Tier 1 कैपिटल के। ए ऑप्शन है 100% एंड 50%, बी ऑप्शन है 50% एंड 50%, सी ऑप्शन है 50% एंड 100%, डी ऑप्शन नॉन लिमिट, ई ऑप्शन नन। जब सब ऑनली डेप्ट की बात कर रहे हैं जो कि लिमिट रखा जाएगा Tier 1 कैपिटल का, तो बेसिकली वो 50% होता है और Tier 2 कैपिटल जो होगा Tier 1 कैपिटल का 100% ज़्यादा नहीं होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर PNB प्रमोशनल एग्जाम के लिए रहता है, जिससे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, कवर करेगा पेपर वन पेपर टू के वीडियोस को, सब क्लियर की वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा PDF में, क्वेश्चन सर डिस्कशन की वीडियोस हो जाएंगे, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस का गया ₹2,000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, ₹3,000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4×9688517, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, www.jibsabstudymaterial.com, ईमेल आईडी जाएगा sir@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।